बच्चों आज हम कक्षा तीसरी पाठ 3 मोर पढ़ेंगे। मोर तो सभी को बच्चों को बहुत ही प्रिय है। बच्चों आपको पता है ना, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, पीकॉक इज द नेशनल बर्ड। वर्षा ऋतु में जब आकाश बादलों से ढक जाता है तो आपने खेतों में मोर को अपने रंग बिरंगे पंख फैलाकर नाचते हुए अवश्य देखा होगा। वह अपनी खुशी नाचकर प्रकट करता है। इसकी सुंदरता को ध्यान में रखते हुए 1963 में इसे राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है। मोर भारत का ही नहीं, म्यांमार और कांगो का भी राष्ट्रीय पक्षी है। बच्चों जब आकाश में बादल आ जाते हैं, बादलों को देखकर मोर अपने पंख फैलाकर नाचने लगता है। मोर हमेशा नाचकर ही अपनी खुशी प्रकट करता है। मोर को 1963 में नेशनल बर्ड यानी कि राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। मोर केवल इंडिया का, भारत का ही नहीं, म्यांमार और कांगो कंट्री का भी राष्ट्रीय पक्षी है। भारत के पक्षी जगत में मोर सबसे अधिक सुंदर होता है। मोर और मोरनी के रंग रूप में काफ़ी अंतर होता है। मोर क्या सबसे अधिक सुंदर, सबसे ब्यूटीफुल पक्षी है। मोर और मोरनी के रंग रूप में काफ़ी अंतर होता है, यानी कि मोर और मोरनी का जो रंग रूप है उन दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है। दोनों का रंग रूप बहुत ही अलग होता है। मोरनी की अपेक्षा मोर अधिक सुंदर होता है, मोर ज़्यादा सुंदर होता है। इसके सिर पर सुंदर कलगी होती है। इसकी गर्दन चमकीली और गहरे नीले रंग की होती है। इसकी जो कलगी होती है वो बहुत ही सिर पर सुंदर लगती है। इसकी जो गर्दन है वो चमकीली गहरे नीले रंग की होती है। इसके पंख लंबे और रंगीन होते हैं। बच्चों को तो पता ही है मोर के पंख कितने लंबे लंबे होते हैं। मोर का रंग भूरा होता है, उसका रंग मोर की तरह चमकीला, मोरनी का रंग भूरा होता है, उसका रंग मोर की तरह चमकीला और आकर्षक नहीं होता। मोरनी का रंग कौन सा होता है? भूरा। उसका चमकीला और आकर्षक यानी कि मन को मोहने वाला, आकर्षक नहीं होता। मोर को गर्मी और प्यास बहुत सताती है, इसलिए उसे नदी किनारे के क्षेत्रों या झील के किनारे रहना अधिक प्रिय है। मोर को जो है वो गर्मी और बहुत ज़्यादा पानी की प्यास लगती है, इसलिए वो नदी के किनारे के क्षेत्रों में ही रहना अधिक प्रिय पसंद करते हैं, परंतु उसे तैरना नहीं आता। बादलों के गर्जने पर या बंदूक की आवाज़ पर वह जोर जोर से कूकने लगता है। उसे पानी में तैरना भी नहीं आता। जब बादल जोर जोर से गरजते हैं या फिर बंदूक की जो आवाज़ है वह जोर जोर से कूकने लगता है। मेंढक और सांप इसका प्रिय आहार है। आम तौर पर यह घास फूस, दाने, बीज, कीड़े मकोड़े आदि भी खाता है। मोर का प्रिय आहार यानी भोजन, आहार मीन्स भोजन। मोर को क्या पसंद है खाने में? मेंढक और सांप। यह घास फूस, दाने, बीज, कीड़े मकोड़े भी खा लेता है। जहाँ पर मोर रहते हैं वहाँ पर सांप नज़र नहीं आते। बच्चे जहाँ पर मोर रहेंगे वहाँ पर सांप नज़र नहीं आते, क्योंकि सांपों को डर होता है कि मोर कहीं हमें खा ना जाए। यह हानिकारक जीव जंतुओं को खाकर सफाई का कार्य करता है। इस प्रकार मानव समाज के लिए यह एक उपयोगी पक्षी है। जब यह धरती पर चलने वाले जीव जंतुओं जो कि हानिकारक है हम मानवों के लिए, उनको खा जाता है, जिससे कि वहाँ की सफाई हो जाती है। इसलिए इस तरह ये हमारे मानव जीवन के लिए एक उपयोगी पक्षी है। अन्य पक्षियों की तरह यह अपना घोंसला पेड़ पर नहीं बनाता। मोरनी अक्सर जमीन पर या झाड़ी में अंडे देती है। ये पेड़ के ऊपर अपना घोंसला नहीं बनाती, ये जमीन पर ही या किसी झाड़ी में छुपकर अपने अंडे देती है। जब यह मस्त होकर घंटों नाचता है तो इसके पंखों की छटा बहुत सुंदर लगती है। जब मोर मस्त होकर नाचता है तो जो इसके पंख है वो पूरी तरह फैल जाते हैं, खुल जाते हैं। उसकी जो छटा होती है वो बहुत ही सुंदर लगती है। लेकिन जब इसकी नज़र अपने पैरों पर पड़ती है तो यह निराश हो जाता है, क्योंकि इसके पैर बहुत ही क्रूप होते हैं। जब नाचते नाचते जब ये अपने पैरों की तरफ देखता है तो ये निराश हो जाता है।
यानी कि उदास हो जाता है, क्योंकि इसके जो पैर है कुरूप, कुरूप मीन्स सुंदर नहीं होते, भद्दे होते हैं। मोर भारत के अधिकांश भागों में पाया जाता है, राजस्थान, ब्रजभूमि और चित्रकूट के आसपास तो यह अधिक दिखाई देता है। मोर जो है भारत के अधिकांश में ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रों में पाया जाता है। भारत के अतिरिक्त श्रीलंका, ब्रह्मा और अफ्रीका में भी ये काफ़ी पाए जाते हैं। अफ्रीका का सफ़ेद मोर तो संसार भर में प्रसिद्ध है। अफ्रीका में जो वाइट सफ़ेद मोर है वो संसार भर में प्रसिद्ध है यानी प्रचलित है, परंतु सुंदरता में भारतीय मोर सबसे अधिक सुंदर है। लेकिन जो भारत में मोर पाए जाते हैं वो सबसे अधिक सुंदर है। राष्ट्रीय पक्षी होने के कारण भारत सरकार ने इसको पकड़ने, मारने और कैद करने पर रोक लगाई हुई है। भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया हो, इस कारण उन्होंने सभी को इसे पकड़ने, मारने और कैद करने पर रोक, पाबंदी लगाई हुई है कि इन्हें ना तो कोई पकड़ेगा, ना ही मारेगा और ना ही कैद करके अपने पास रखेगा। तो बच्चों आज हमने मोर पाठ पढ़ा। बच्चों इसके बाद हम इस पाठ के अंदर अभ्यास में जो चीज़ें आएंगी वो सभी अपनी नोटबुक पर लिखेंगे।